हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो लाइफ के हर एक इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। आज भी मैं 29 जून को हुए एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसने पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में धूम मचा कर रख दिया। आई गेस अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं T20 वर्ल्ड कप की बात करने वाला हूँ जिसमें टीम इंडिया ने आखिरकार 13 साल बाद कोई वर्ल्ड कप जीता। ये जीत किसी एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, ये जीत एक हौसले की जीत थी, एक जज्बे की जीत थी, एक टीम की एकजुटता की जीत थी। और इस जीत ने पूरे हिंदुस्तानियों को गर्व से भर दिया। इस जीत ने हम सबको एक इंस्पिरेशन दिया। क्या टीम को ये जीत ऐसे ही मिल गई? क्या आपने कभी सोचा कि टीम इंडिया ने ये फाइनल कैसे जीत लिया? क्या टीम को ये जीत ऐसे ही आसानी से मिल गई? क्या उनके रास्ते में कोई मुश्किलें परेशानियां नहीं आई? ऐसा नहीं है दोस्तों, आप पूरे वर्ल्ड कप को देखेंगे टीम के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आई, परेशानियां आई और कई मैच में टीम ऐसे मोड़ पे खड़ी थी कि जहां पे बिल्कुल जीतने का कोई चांस नहीं बनता था, लेकिन वहां से टीम ने अपना हौसला दिखाया। वहां से हम सीख सकते हैं कि कैसे कुछ ऐसे जाबाज खिलाड़ी निकल करके आए जिसने हार नहीं मानी और एक टीम स्पिरिट निकल करके आया जो बस जीतने के लिए खेली और कभी हार नहीं मानी। टीम इंडिया के जीत से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे जब मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तब बहुत सारे लोग रास्ते से हट जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये मुश्किलें, परेशानियां और मुसीबतें ही तय करती है कि कौन सी टीम और कौन सा बंदा विनर बनेगा अपनी लाइफ में और कौन हार जाएगा। क्योंकि जो इन मुश्किलों को पार कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा और जो इन मुश्किलों से डर जाएगा वो पीछे हो जाएगा। सो हमें अपनी लाइफ में मुश्किलों को, परेशानियों को और चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना है, उनको फेस करना है ताकि हम एक मजबूत पर्सन बन करके और हम एक मजबूत टीम बन करके आगे निकलें। और टीम की जीत से हम एक बात और सीख सकते हैं कि जब हम लोग साथ होते हैं, जब हम लोग एकजुट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हमारी ताकत कितनी बढ़ जाती है। आपने देखा होंगे कई सारे मैच में। इसी तरह से हमारी लाइफ में अगर हम सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहें, अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो कभी भी दुख हो, कभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े हमें और कभी भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आए तो वो अपना हाथ दे करके अब खींच लेते हैं और हमें सही ट्रैक पर लाते हैं, तो हमारी लाइफ और हमारा गोल तक पहुँचने का रास्ता आसान हो जाता है। सो एट द एंड ये टीम की जीत बहुत ही खुशी वाली बात है। एज ए क्रिकेट फैन और क्रिकेट लवर मैं पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए खुशी का मकाम है और हम सबको खुश होना चाहिए और हम सबको ये सीख लेना चाहिए कि क्या हम लोग भी ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने सक्सेस को पाने के लिए क्या हम लोग उतनी मेहनत कर सकते हैं? क्या हम लोग कभी नेवर गिव अप एटीट्यूड ला सकते हैं जैसे टीम इंडिया ने इस बार लेकर के आया और वर्ल्ड कप को जीत गए? क्या हम लोग तैयार हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं और ख़ुद से भी सवाल करता हूं। दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें। दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।